हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चे, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि मेजर सब्जेक्ट क्या है और माइनर सब्जेक्ट क्या है। तो ये वीडियो है यूजी जो कर रहे हैं बच्चे उनके लिए, या फिर जो यूजी करने वाले हैं इंटर के बाद उनके लिए। अभी यूजी में बीए, बीएससी, बीकॉम सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे बेटा। तो मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट को लेकर के बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जो सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के अभी बच्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा अभी परेशान हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि ये है क्या, ठीक है। तो बच्चे, आपको पता है कि 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, तभी से जो मेजर और माइनर सब्जेक्ट हैं वो आए हैं आप लोगों को पढ़ने के लिए। 2020 से पहले क्या होता था कि यदि कोई बच्चा अगर ग्रेजुएशन करने आता था बीए, बीएससी, बीकॉम, तो उनको तीन सब्जेक्ट का कम्बिनेशन पढ़ना पड़ता था। जैसे अगर कोई बच्चा आता था बीएससी करने, तो उसको फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री या फिर बीजेडसी या पीएमएस पढ़ना पड़ता था। यदि कोई बच्चा अगर पढ़ने आता था बीए, तो उसको हिंदी, इंग्लिश और हिस्ट्री या पॉलिटी, जो भी तीन का कम्बिनेशन बना के पढ़ाया जाता था पूरे 3 साल तक, ठीक है। अभी क्या है बच्चे, जब से 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए सब्जेक्ट को 2 भाग में बांट दिया गया है। एक को बोला जाता है माइनर सब्जेक्ट और दूसरे को बोला जाता है मेजर सब्जेक्ट। तो मेजर सब्जेक्ट की पहले अगर हम बात करें, तो मेजर सब्जेक्ट में ठीक वैसे ही विषय पढ़ाया जाता है जैसे 2020 के पहले पढ़ाया जाता था। यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बीएससी वालों को 3 का कम्बिनेशन होता था। तो आज बीएससी वालों को ये 3 कम्बिनेशन पढ़ाए जाते हैं। फायदा अब हुआ है कि पहले जो है 3 सब्जेक्ट जो दिए जाते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, वही पूरा पढ़ना पड़ता था ग्रेजुएशन में। लेकिन अभी यदि कोई बच्चा अगर चाहे बीएससी भी करने आ रहा है, तो वो 2 सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री ले लें, और मैथ पढ़ने की अगर इच्छा नहीं है, तो वो चाहे तो मैथ की जगह वो इतिहास पढ़ सकता है या संविधान पढ़ सकता है। यानी कि अपने सब्जेक्ट के अलावा भी वो अगर किसी और स्ट्रीम का सब्जेक्ट अगर पढ़ना चाहे तो अभी पढ़ सकता है। हाँ, लेकिन हर बच्चे के कॉलेज में जो है कि सुविधाएं अलग अलग हैं, तो कॉलेज में वो पता कर लेगा कि वहाँ ऐसी सुविधा है या नहीं है, पॉलिसी के अनुसार है, ठीक है। तो ये हो गया मेजर सब्जेक्ट। अब मेजर सब्जेक्ट में यदि 2 विषय छोड़ेगा और तीसरा वाला सब्जेक्ट वो किसी और स्ट्रीम से, यानी बीएससी का बच्चा अगर बीए का पढ़ता है, तो उस तीसरे वाले स्ट्रीम को हम लोग माइनर इलेक्टिव बोल देते हैं, ठीक है। तो अब ही क्या है बच्चे, तो मेजर सब्जेक्ट की बात हो गई। अब हम देखते हैं कि माइनर सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि बच्चों को सबसे ज्यादा समस्या यही हो रही है, ठीक है। तो माइनर सब्जेक्ट को 3 भाग में बांटा गया है। एक है वैकल्पिक, या फिर उसे माइनर इलेक्टिव बोलते हैं। एक है सह पाठ्यक्रम, या फिर को क्यूरिकुलर एक्टिविटी के तहत बोलते हैं, या फिर कंपलसरी पेपर इसी को बोल देते हैं। और तीसरा है वोकेशनल सब्जेक्ट, या फिर इसको हम लोग व्यावसायिक विषय बोलते हैं, ठीक है। अब बारी बारी से देखते हैं है क्या। तो माइनर इलेक्टिव पेपर में बच्चे वे सब्जेक्ट पढ़ने हैं जो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि किसी और स्ट्रीम का जो है वो सब्जेक्ट पढ़े, और इस सब्जेक्ट को पूरे जो है कि 2 सेमेस्टर पढ़ने होंगे। यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपने जो माइनर इलेक्टिव लिया है वो आपके सेकेंड सेमेस्टर तक वही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर जो कोकुलर पाठ्यक्रम है वो हर सेमेस्टर में आपको बदलेगा, फर्स्ट में दूसरा होगा, जैसे फूड, न्यूट्रिशन, हाइजीन, और इस तरह से हर सेमेस्टर में बदलेगा। और जो है व्यावसायिक वोकेशनल जो सब्जेक्ट है ये भी हर सेमेस्टर में बदल जाएगा, ठीक है। तो अब हम पूरा देखते हैं कि माइनर इलेक्टिव पेपर जो है इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। जैसे कि बिजनेस कम्युनिकेशन हो गया, एलिमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन हो गया, बेसिक इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। तो अभी जो बच्चे सेकेंड सेमेस्टर में है और फॉर्म भरने जा रहे हैं एग्जामिनेशन फॉर्म, तो जो बच्चे SCPG हरिचंद पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के हैं उनको बता दें। बाकी जो बच्चे अदर कॉलेज के हैं, अगर वो वीडियो देख रहे हैं, तो अपने कॉलेज में एग्जामिनेशन फॉर्म भरने से पहले हर सब्जेक्ट का अपना पूछ लेंगे कि क्या वहाँ पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि हर कॉलेज में अलग अलग सुविधा के अनुसार सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। तो जो बच्चे भी SCPG के हैं और अगर वो BA कर रहे हैं, तो उनका जो माइनर इलेक्टिव पेपर है सेकेंड सेमेस्टर में बिजनेस कम्युनिकेशन है, और अगर बच्चा BSc कर रहा है तो एलिमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन है, ठीक है, और BCom कर रहा है तो बेसिक इकोनॉमिक्स है, ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर के लिए माइनर इलेक्टिव। यदि बच्चा फोर्थ सेमेस्टर में इस समय है, तो उसका माइनर इलेक्टिव क्या होगा, BA वालों के लिए जो है फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप होगा, और जो BSc का बच्चा है उसके लिए फिटनेस एंड योगा होगा, माइनर इलेक्टिव फोर्थ सेमेस्टर।
और जो बीकॉम वाला बच्चा है इश्यूज ऑफ इंडियन इकोनॉमी है ये पढ़ना है। तो एग्जामिनेशन फॉर्म अभी भरा रहा है तो उसमें ध्यान से डालिएगा, इधर का सब्जेक्ट उधर डाल देंगे, पेपर में कुछ और आएगा तो फिर वही फेल हो जाएंगे, फिर कहेंगे कि रिजल्ट खराब हो गया। ये हो गया माइनर इलेक्टिव, ठीक है। अब दूसरा सब्जेक्ट क्या है कि कंपल्सरी पेपर या फिर को करिकुलर एक्टिविटी के तहत आपको ये पढ़ाया जाता है, तो ये आप फॉर्म में भरिएगा ठीक से। तो फर्स्ट सेमेस्टर में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन था, आप लोगों को पढ़ाया गया था। अभी जो सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ाया जा रहा है वो फर्स्ट एड एंड हेल्थ है, तो आप इसको डालिएगा, ठीक है। ये सभी बच्चों के लिए बीए बीएससी बीकॉम जो जिस भी कॉलेज के हो जहां भी हो ये यही सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ये बदलते नहीं, ये फिक्स है। और जो सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे हैं इनको फर्स्ट एड एंड हेल्थ पढ़ना है, और जो थर्ड सेमेस्टर के बच्चे पढ़े होंगे ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंट स्टडी पढ़े होंगे। अभी फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, तो फोर्थ सेमेस्टर वाले एग्जामिनेशन फॉर्म में ये डालेंगे अपने को कुरल एक्टिविटी के तहत जो सब्जेक्ट है, ठीक। वोकेशनल सब्जेक्ट पे आते हैं बच्चे। वोकेशनल सब्जेक्ट वे सब्जेक्ट हैं जिसको कि हम लोग हिंदी में जैसे व्यवसायिक भी बोल लेते हैं, ठीक है। तो वे सब्जेक्ट इसमें आते हैं जो कि हमें कुछ व्यवसाय दिला सके, ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा ग्रेजुएशन के बाद पढ़ाई छोड़ देता है तो उसके पास पढ़ने कमाने के लिए अर्निंग करने के लिए ये सब सब्जेक्ट पढ़े रहेगा तो कुछ नॉलेज होगा तो कुछ अर्निंग कर पाएगा। या कुछ बच्चे चाहते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद पढ़ाई के साथ साथ कुछ अर्निंग कर लें या कुछ कमाएं, तो उनको भी ये सब्जेक्ट काफी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इसमें भी बहुत सारे सब्जेक्ट आएंगे, बढ़ईगिरी हो गया या टाइपिंग हो गया या बहुत सारी चीजें स्किल वाली जो भी होती हैं तो वो पढ़ाई जाती है, जैसे मार्केटिंग एंड सेल्समैनशिप हो गया। तो अभी जो बच्चे सेकेंड सेमेस्टर में है ये जरूरी है, जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरने जा रहे हैं एससी पीजी के खास तौर पे, उनको एडवर्टाइजमेंट पढ़ा जा रहा है इस समय, तो वो अपने एग्जामिनेशन फॉर्म में भरेंगे। बाकी अदर कॉलेज के अगर बच्चे देख रहे हैं तो वो पूछ लेंगे कि हमें क्या पढ़ाया जा रहा है या इस सेमेस्टर में क्या भरना है, ठीक है। और फोर्थ सेमेस्टर में जो है बच्चे और रचनात्मक कौशल और गांधीवाद आयाम या फिर साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, ये दो पेपर है फोर्थ सेमेस्टर में, तो आप देख लीजिएगा कि आपने क्या चूज किया है। तो अभी जो फॉर्म भरेंगे तो इनमें से आप कोई एक भर दीजिएगा। तो मैंने ये बता दिया कि कौन कौन से माइनर के तहत पेपर आते हैं आपके, कौन कौन से माइनर और सबके अंदर कौन कौन से विषय आते हैं, सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के जो बच्चे हैं उनको कौन कौन से इस समय पढ़ाए जा रहे हैं और कौन कौन से एग्जामिनेशन फॉर्म में भरना है, ठीक है। एक चीज और बच्चे, ये वाला जो है आपका जो कंपल्सरी पेपर है जिसमें बच्चे अगर फेल होते हैं तो पूरा रिजल्ट फेल हो जाता है, इसको हम पूरा जो है कि एक फर्स्ट सेमेस्टर से लेके हर सेमेस्टर में कंप्लीट पढ़ाया करेंगे ताकि आप लोगों को काफी हेल्प हो, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपने सारे माइनर सब्जेक्ट और मेजर सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट समझा होगा। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में मिले।